Yo, what's up, beautiful people? Welcome to Danixt, and this is Danish Xtreme. Yes, thank you so much. Anyways, guys, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन बात. ये भाई बहन का जो रिश्ता है ना, इस चीज का खुलासा कर देगा. जिस किसी को भी ये डाउट है कि बहनें भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वो कहीं ना कहीं सच है, लेकिन जब मौका मिलता है तो बहनें भाइयों का सर भी फोड़ देती हैं. तो इसी चीज़ को एक्सपोज करूंगा, खुलासा करूंगा आज मैं इस वीडियो में. आखिर तक देखें अगर आपको भी लगता है किसी दिन आपकी बहन भी आपका सर फोड़ सकती है. सो स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहली बात, ये दो भाई बहन की स्टोरी है. दो भाई बहन बहुत ही दिग्गज नवाबी फैमिली से बिलोंग करने वाले भाई बहन हैं. वो कौन कौन है? वो हैं सारा अली खान एंड इब्राहिम अली खान. यस, सारा एंड इब्राहिम की स्टोरी है ये. क्यों, क्या वो ऐसे ये कि सारा अली खान बहुत ही, आपको पता, थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ सारा अली खान का. सारा अली खान अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में. बहुत ज़्यादा नाम उनका हो गया, फटाक से वो हाइक उनको मिल गई, उनके करियर को केदारनाथ से मिल गई उनको. अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सिम्बा से उन्हें बहुत ज़्यादा हाइप मिली, बहुत ज़्यादा उनका नाम हुआ, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. उनका कैरेक्टर, गाना भी तो एक नंबर था मेरे भाई, एक नंबर. सो हुआ ये कि एक शो के दौरान हमारी सारा अली खान को पूछा गया एक बहुत ही खतरनाक सवाल. वो सवाल क्या था? वो क्वेश्चन था कि क्या सारा, अगर आपको एक खोका दिया जाए, खोका इन द सेंस कि एक करोड़, वन सीआर, यस, सारा अगर आपको एक करोड़ रुपए दिए जाए तो क्या आप अपने भाई इब्राहिम अली खान को तमाचा जड़ देंगी? तो आपको क्या लगता है गाइस, सवाल का आंसर क्या दिया होगा सारा अली खान ने? मैं आप लोगों को पर छोड़ता हूँ. प्लीज़ जाएं कमेंट बॉक्स में, जाकर आप कमेंट करें कि सारा अली खान ने क्या जवाब दिया होगा मीडिया वाले को, अपने भाई को थप्पड़ मारने, मीडिया वाले को कि वो अपने भाई को थप्पड़ मारेंगे नहीं एक खोके के लिए. आपका समय शुरू होता है अब. 5 गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5. आपने अगर कमेंट कर दिया, वेल एंड गुड. मैं देखने वाला हूँ किसने क्या कमेंट किया. एनीवेज, जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया उनको मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेहनत नहीं करेंगे कमेंट करने की. मैं बता देता हूँ क्या कहा सारा अली खान ने. बेबाक अंदाज में ये कह दिया कि मेरे भाई सुन, अगर कोई मेरे को एक खोके की बात तो छोड़ दो, अगर कोई मेरे को एक पेटी भी देगा ना, तो भी मैं अपने भाई का मुंह जो है ना लाल कर देने वाली हूँ. सही सुन रहे हैं आप, सारा ने क्लियरली ये कह दिया कि अगर मुझे कोई 1,00,000 रुपए भी देगा ना, तो मैं अपने भाई के चेहरे पर स्लैप जड़ दूंगी सटैक से. यस, टेल मी समथिंग यू डोंट नो, समझ रहे हो ना? ये कहा दिया, ये कहा हमारी सारा अली खान ने. खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी, कहीं ना कहीं दिल में मेरे ये बात जरूर चुभी कि ऐसा भाई बहन का रिश्ता तो मेरे ही घर में होता है, मेरी ही बहनें मुझे जड़ते रहती हैं तमाचे, क्योंकि मैं शरीफ हूँ, पता है ना, मैं सॉफ्टी भी हूँ, इसलिए मेरी बहनें मुझे ठोक देती हैं. अब मुझे इस चीज़ का भरोसा हो गया और दिल में थोड़ी सी तसल्ली भी हुई कि भाई नवाबी ख़ानदान से हो जाओ तुम या फिर कहीं और से हो जाओ, तमाचे तो आपको बहनों से तमाचे तो आपको पढ़ने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप. सो यही कह दिया सारा अली खान ने. और एक चीज़, सारा अली खान बीच में उनका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा था सारा अली खान का, इस वजह से भी कि करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में सारा अली खान और उनके डैड नवाबों के नवाब सैफ अली खान जब पधारे थे, तब उनको ये चीज़ पूछी गई थी कि सारा आपको कैसा लगता है कि आपकी मदर करीना कपूर हैं, अमृता सिंह हैं, सैफ अली खान आपके फादर हैं, कैसा लगता है? तो सारा अली खान ने ये चीज़ वहाँ पर कही थी कि देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने, यानी कि करीना कपूर, अमृता सिंह ने एंड सैफ अली खान ने, कभी भी फोर्स नहीं किया मुझे कि मैं करीना कपूर को छोटी माँ कहूँ या फिर उन्हें मदर कह के पुकारूँ. इवन करीना कपूर ने भी खुद ये बात कही है सारा को कि सारा, लुक, तुम्हारी एक बहुत ही अमेजिंग मदर है अमृता, तो मुझे तुम अपनी फ्रेंड समझो, ठीक है, मुझे माँ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो कह सकती है, बट मैं, मुझे एक फ्रेंड समझो, तुम्हारी ऑलरेडी एक बहुत ही अमेजिंग मदर है, सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में. तो सारा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं. तो कहीं ना कहीं सारा अली खान एंड करीना कपूर के बीच का जो रिलेशन है वो एक बहुत ही अच्छी दोस्त का रिलेशन कह सकते हैं. सैफ अली खान ने भी ये चीज़ कही कि अगर मैं करीना को कहूँ कि करीना, सारा तुम्हें अब से छोटी माँ कहने वाली है, तो करीना जो है, करीना को हार्ट अटैक आएगा. ऑब्वियसली बात है, हार्ट अटैक आएगा ही, क्योंकि करीना तो खुद बच्ची है.
हो सकता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कह दिया कि वो बच्ची हैं, बट एडजस्ट कर लीजिए। करीना कपूर के लिए तो सीने पे गोली खाए तेरा भाई। सो हुआ यही कि करीना कपूर का रिलेशन सारा अली खान के साथ कैसा है, इस चीज़ को करण जौहर ने काढ़ी करके निकालने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नवाबों के नवाब हैं, वो सारी चीज़ों को डील फटैक तरीके से कर लेते हैं। वैसे ही करण जौहर को भी डील कर लिया सारा अली खान ने। फिलहाल सारा अली खान किस चीज़ में बिजी हैं ये सुनेंगे तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे आप। सारा अली खान के पास तो फिलहाल फिल्मों की लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, और बीच में वो और ज़्यादा फेमस है कार्तिक आर्यन के साथ रिलेशन को लेकर। बट अभी मैं उनके प्रोफेशनल रिलेशन, प्रोफेशनल चीज़ों के करियर को लेकर अगर बात करूँ तो सारा अली खान एक बहुत ही अच्छी मूवी के रीमेक में काम करने का उनको मौका मिल चुका है। साइन हो चुकी हैं सारा अली खान। किस मूवी में? उस मूवी का नाम है कूली नंबर वन, जिसमें गोविंदा थे पहले, उसका रीमेक आ रहा है। डेविड धवन की फिल्म है और कूली नंबर वन के जो कूली है वो कौन बनने वाले हैं आपको पता है? जाहिर सी बात है, बेटे का बाप है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो बेटा ही हीरो बनेगा। समझ रहे हैं ना क्या पॉइंट कर रहा हूँ मैं? हाँ, वरुण धवन बन रहे हैं इसमें कूली नंबर वन और उनकी सुंदरा बन रही हैं सारा अली खान। कहीं ना कहीं अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया सारा अली खान का, कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस आपको लगता है कि 90s की करिश्मा कपूर की तरह? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ जाकर कमेंट में करें। इस बात अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई जब रिजेम्बलेंस मैंने सोचा, तो अगर आपको भी आप भी एग्री करते हैं कि सारा अली खान थोड़ी बहुत दिखती हैं करिश्मा कपूर की तरह, तो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में यस और नो भी कर दें कमेंट। सो दिस इज इट गाइज, सारा अली खान का फ्यूचर है ब्राइट। कूली नंबर वन से कर रही हैं वो, एक और तहलका मचाने वाली मूवी उनकी आ रही है आफ्टर सिम्बा। अब उनके भाई को तमाचा मारने वाली बात तो आप भी अभी भी सोच रहे होंगे, खैर इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हम लोग भाई लोग हमेशा पिटते पिटाते ही रहे हैं, कभी हम लोगों को प्यार उस हिसाब का प्यार तो हम लोगों को मिलता है, सिर्फ राखी वाले दिन मिलता है क्योंकि उस दिन खर्चा पानी देना पड़ता है ना, बट उसके बाद फिर आपकी धुनाई ही होती है। खैर मेरे केस में तो ऐसा ही है, बट मेरी बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आपकी बहन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इसे गलत हुए मत पालिएगा, तमाचा तो आपको पड़ने वाला है। एनीवेज गाइस दिस इज इट, देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कर दें, उसके बाद आने वाले इस बेल आइकन को भी जाके क्लिक कर दें, क्योंकि हो सकता है ये दोनों भाई बहन हो रिलेटिव और ये दोनों मिलकर ही आपको तमाचा जड़ दें। मुझे तो ये जड़ सकते हैं अगर आप लोग सरप्राइज नहीं, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दिस इज इट गाइस, कीप वॉचिंग डैनिश, कीप लविंग दानिश एक्सट्रीम, एंड तब तक के लिए गाइस चाओ।